जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं, अब ये उससे भी दो कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। उनके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं। ये बिहार को उसी राज में लौटाना चाहता है जहां पर आतंक और अपराध का एक दहशत रहता था, डर से नहीं बोलता था, राह चलते किसी को उठा लेना। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं प्रमीर सिंह। कल बिहार के बेगूसराय में अमेरिका जैसी घटना देखने को मिली, जहां पर दो सिरफिरों ने पूरे जिले में घूम घूम कर गोलियां बरसाई और इस वजह से 11 लोगों को जहां पर गोली लग गई और इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिसके बाद अब विपक्ष ने पूरे बेगूसराय बंद बुलाया है और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी बेगूसराय पहुंचे हैं। और देखिए, बेगूसराय पहुंचकर विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है और कहीं ना कहीं ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप में उभरा है। हम लोग तो अपराध को झेल ही रहे थे, ये एक दहशत, एक गुंडागर्दी फैलाने का जो माहौल खड़ा किया गया, ये बिहार को उसी राज में लौटाना चाहता है जहां पर आतंक और अपराध का एक दहशत रहता था, डर से नहीं बोलता था, राह चलते किसी को उठा लेना, अपहरण कर लेना, किसी को हत्या कर देना। आज पूरे भी लखीसराय के अंदर आज धरना का कार्यक्रम है, सामूहिक बलात्कार के विरोध में डकैती हुआ। मुंगेर में इसी तरह से एक रेल कर्मी को बुला करके घर से निकाल के चौक पर गोली मार दिया, दिन दहाड़े 7 बजे सुबह को। यही भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा, अराजकता के उबारने के लिए उनको, कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं, अब ये उससे भी दो कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए, अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि बिहार के अंदर कैसा दहशत का माहौल बनाया गया है, एक महीना भी नहीं गुजरा, भ्रष्टाचार भी उसी तरह से चरम पर है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं और अपराध तो खुल करके पहली बार बिहार में घटना घटित हुआ है। इस तरह से खुलेआम 30 से 40 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते गया, लोग को, निर्दोष लोगों को गोली मारते गया, ऐसी दहशत कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हाल और मृतक के परिजनों को क्या कहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ को, जो एक शहीद होता है और उस शहादत का उसकी पूरी कीमत मिले, इसकी जिम्मेवारी तय करे। और जब तक भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटा करके अच्छे लोगों को आप स्थापित करेंगे, कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आई बास मत करिए मुख्यमंत्री जी, आप कानून व्यवस्था के नाम पर रोज बैठक कर लेते हैं और घटना बढ़ जाती है। जब जब ये कानून व्यवस्था पर बैठक करते हैं और घटना तेजी से बढ़ती है। सर, एक क्वेश्चन है कि कल से सोशल मीडिया पर CCTV फुटेज आ रहे हैं उस अपराधियों के, और उस पर प्रशासन का कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्या? तो आपने सुना कि विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अब बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो गई है, बिहार में अब सुशासन का राज नहीं रहा, कानून का डर किसी को नहीं है, जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं। आपको बता दें कि कल बेगूसराय में देर रात को दो सिरफिरों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी, करीब 3 थाना क्षेत्र में गोली बरसाई गई और हाईवे पर वो गोली फायरिंग करते हुए जो भी मिल रहा था उसे गोली मार रहे थे और मारते हुए वहां से फरार हो गए थे। करीब 11 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 3 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। लेकिन अब इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। बिहार में भाजपा जो है वो लगातार सरकार पर हमला कर रही है। आज भाजपा के द्वारा बेगूसराय बंद बुलाया गया है और तमाम भाजपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो बेगूसराय पहुँच रहे हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।